नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। ये देखो, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा था कि कोई भी जॉइंट खुला ना छोड़ें, अगर जॉइंट खुला छोड़ते हैं तो कस्टमर का नेट बार बार डिस्कनेक्ट होता है और राउटर में रेड लाइट होती है, जैसे कि आपने अपने अपने राउटर में देखा होगा। आज जैसे कि देखो, एक लड़के ने जॉइंट नहीं लगाया था ठीक तरीके से और उसमें बोतल भी नहीं लगाई थी, ना ही जेसी बॉक्स लगाया था, जिसके कारण देखो कस्टमर का नेट बंद हो गया है, इमरजेंसी केस में आना पड़ा है। और सरकारी एग्ज़ाम जो चल रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जो है मेरे मित्र दीपू ठाकुर, ये अपना काम कर रहे हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है स्प्लाइजिंग मशीन है और ये स्प्लाइजिंग मशीन है। इसकी जो खूबी है वो ये है कि छोटे छोटे जो पेयर होते हैं, पतले पतले बाल जैसे तार होते हैं, उनको जोड़ती है ये। बिना मशीन के ये तार नहीं जोड़ सकते। कॉलेज में हुआ ये प्रॉब्लम, तो दीपू ठाकुर कर रहे हैं अपनी और कर्मठ से दिखा रहे हैं। ये देखिए मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ किस तरीके से अपने वायर को जोड़ रहे हैं। और ये डिस्क की तरह से तार नहीं है कि डिस्क की तरह तुरंत हाथों से जुड़ जाएँ, ऐसे जोड़ने के लिए काफ़ी दिमाग और मेहनत लगती है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इसके लिए इंजीनियर अलग से प्रोवाइड किए जाते हैं। ये देखिए अब मेरे मित्र जो हैं दीपू ठाकुर, ये देखिए अपने किस प्रकार से देखिए बोतल को लगाएंगे और यहाँ पर इसको सेट करेंगे, क्योंकि इनके पास अभी फिलहाल ही में जेसी बॉक्स नहीं है। और जैसे कि आपने देखा होगा रोडों पर, सड़कों पर कहीं ना कहीं टंगे हुए वायर पे एक हमेशा बोतल लटकी रहती है, क्योंकि हर जगह जेसी बॉक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि जेसी बॉक्स आता है कम से कम 60 रुपये का। अब एक फाइवर पर अगर 60-60 रुपये का जेसी बॉक्स लगाएंगे तो बहुत पैसा खर्च होता है कंपनी का, इसलिए कुछ कंपनी के लड़के जो होते हैं वो लोग बोतल से ही काम करते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं दिखाना है, हम ट्रेंड में नहीं आना चाहते। ओके ओके ओके, ठीक है। ये अब दीपू ठाकुर जो है बोतल को लगा रहे हैं। बोतल लगाने से होगा इसके जो पतले पतले वायर, जैसे कि आपको शायद ही हल्के हल्के दिख रहे होंगे, ये हाल ही में हवा से या कोई गिलहरी इनको को नहीं तोड़ेगी और ये इसमें सेफ रहेंगे। और ये हैं इनके दूसरे मित्र, मेरे भी दूसरे मित्र हैं ये, भूपेंद्र। देखिए बोतल में मजबूती की जा रही है। और ये प्रॉपरली बोतल को कसा जा रहा है ताकि बार बार ये बोतल निकले नहीं। अगर इन दीपू का सोचना ये है कि अगर कोई फॉल्ट आता है किसी भी कस्टमर के यहाँ पर, तो हर समय नया फॉल्ट आए, कोई भी रिपीटेड फॉल्ट ना आए, ये दीपू की सोच है, इसीलिए बोतल लगाई जा रही है, इसीलिए बोतल लगाई जा रही है। अब देखिए टेप कसा जा रहा है।